वो गांधी जयंती का दिन गोवा जा रहा वो जहाज, जहाज पर वो छापा, छापे में वो ड्रग्स का मिलना, छापे के बाद वो गिरफ्तारी, गिरफ्तारी के बाद एनसीबी दफ्तर से इस तस्वीर का यूं बाहर आना, बाहर अलग अलग पोज में मुंबई में एनसीबी के सरदार का तब मुलायम लहजे में यूं गरजना, एनसीबी दफ्तर से कोर्ट और कोर्ट से जेल तक भागती वो गाड़ियां, गाड़ियों के पीछे दौड़ते वो कैमरे, वो उदास मन्नत, मन्नत के बाहर वो भीड़। कुल मिलाकर ये सारी चीजें, सारी तस्वीरें, सारी बातें और सारे दावे बस 29 दिनों का तमाशा निकला। जी हाँ, महज तमाशा, तमाशा देश की एक इज्जतदार एजेंसी का, तमाशा उस इज्जतदार एजेंसी के एक असरदार अफसर का, तमाशा कानून का, इंसाफ का, इल्जाम का, भरोसे का। जांच एजेंसियां, कानून, इंसाफ, अदालतें, इन सब पर देश के आम लोग यूं ही उंगलियां नहीं उठाते, यूं ही वो तंज नहीं कसते कि कानून भी हैसियत देखकर भेदभाव करता है। देश को नशे से बचाने वाली सबसे बड़ी एजेंसी एनसीबी यानी नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो ने आर्यन खान को पकड़कर तब गलती की थी, या आर्यन खान को क्लीन चिट देकर अब गलती की है, ये तो एनसीबी ही बता सकती है। मगर इस एक केस से उसके दामन पर जो दाग लगा है वो शायद ही कभी धुल पाए। आज के बाद वो जब भी किसी पर हाथ डालेगी उसका हर हाथ और हरकत शक के घेरे में होगी, क्योंकि लोगों के भरोसे का खून उसने खुद अपने हाथों से किया है। सवाल तो उससे पूछे ही जाएंगे कि आर्यन खान का केस इस लायक ही नहीं था कि उसका नाम चार्जशीट के पन्नों तक में दर्ज किया जा सके, तो फिर पूरे 28 दिनों तक उसे जेल की चार दीवारी में कैद क्यों रखा गया? उसे जवाब देना होगा कि आर्यन खान की गिरफ्तारी उस वक्त गलत थी, तो फिर उस गलत को सही ठहराने की मजबूरी क्या और किसकी थी? एक बेकसूर को नशेड़ी गंजेड़ी बना देने वाले एनसीबी के जिम्मेदार अफसरों को क्या कोई सजा मिलेगी? उम्मीद कम ही। वैसे भी एक बड़े बाप के बड़े बेटे का केस है तो गलती पर नजर पड़ गई, वरना इसी देश में ऐसे सैकड़ों हजारों लोग भरे पड़े हैं जिन्हें ना मालूम कब कहां कैसे इसी एनसीबी ने नशेड़ी गंजेड़ी बना दिया हो। तो खबर तो आपको मालूम ही है, एनसीबी ने शुक्रवार को क्रूज ड्रग केस मामले में चार्जशीट दाखिल कर दी है। ये वही केस है जिसमें 2 अक्टूबर 2021 को एनसीबी की मुंबई टीम ने मुंबई से गोवा जा रहे क्रूज पर छापा मारा था। इस छापे और छापे के बाद कुल 20 लोगों को गिरफ्तार किया गया। इनमें सबसे बड़ा नाम शाहरुख खान के बेटे आर्यन खान का था। कायदे से इस केस के 90 दिनों के अंदर अंदर एनसीबी को चार्जशीट दाखिल करनी थी, मगर वो ऐसा कर नहीं सकी। तय मियाद निकलने के बाद अदालत से एनसीबी ने चार्जशीट दाखिल करने के लिए 90 और दिनों की मोहलत मांगी, लेकिन अदालत ने 60 दिनों की अतिरिक्त मोहलत दी। तय वक्त पर एनसीबी तब चार्जशीट इसलिए नहीं दाखिल कर पाई थी क्योंकि तब भी आर्यन समेत कुछ लोगों के खिलाफ उसे कोई सबूत नहीं मिल रहे थे, और अब जब उसने चार्जशीट दाखिल कर दी तब भी गिरफ्तार 20 लोगों में से आर्यन समेत 6 लोगों के खिलाफ उसे कोई सबूत नहीं मिला है। यानी एनसीबी ने 28 दिनों तक जेल में रखने के बाद आर्यन खान को अब क्लीन चिट दे दी है। क्लीन चिट यानी इस पूरे केस में एक तरह से उसे गलत फंसाया गया, गलत उठाया गया। इस पूरे मामले को समझने के लिए इसके दो पहलू को समझना जरूरी है। पहला, 2 अक्टूबर को ऐसा क्या हुआ कि आर्यन को गिरफ्तार करना पड़ा, और दूसरा, जांच के दौरान ऐसा क्या मिला कि आर्यन को क्लीन चिट देनी पड़ी। 2 अक्टूबर को बकौल एनसीबी मुखबिर से उसे जानकारी मिली थी कि गोवा जा रहे क्रूज पर ड्रग्स पार्टी होनी है। इसी के बाद एनसीबी की टीम क्रूज रवाना होने से पहले ही वहां पहुंच गई। छापे और तलाशी के दौरान उसे कुछ ड्रग्स भी मिले। उसी क्रूज पर आर्यन खान भी मौजूद था अपने दोस्त अरबाज मर्चेंट के साथ। एनसीबी को अरबाज के पास से तो कुछ ड्रग्स मिले, लेकिन आर्यन के पास से कोई ड्रग्स नहीं मिले। फिर भी तब एनसीबी की टीम की अगुवाई कर रहे समीर वानखेड़े ने आर्यन खान को भी गिरफ्तार कर लिया। इसके बाद पूछताछ हुई, फिर समीर वानखेड़े ने गिरफ्तारी को जायज ठहराने के लिए तब कई दावे भी किए। हाँ, ड्रग हैज बीन रिकवर्ड और कुछ लोगों को इंटरसेप्ट किया है हमने, और उनकी इन्वेस्टिगेशन चालू है अभी। हमने और 4 अरेस्ट किए हैं जो ऑर्गेनाइजर्स थे इस पार्टी का, और कई प्रकार के ड्रग रिकवर हुए जैसे कि कोकेन, एमडीएमए, मेफेड्रोन, हाइड्रोपोनिक वीड और हशीश, ये प्रकार के ड्रग्स रिकवर हुए। मगर बाद में जैसे जैसे केस मीडिया में सुर्खियां बटोरती गई, समीर वानखेड़े भी निशाने पर आते गए, खासकर तब के महाराष्ट्र के मंत्री और फिलहाल जेल में बंद
नवाब मलिक ने समीर वानखेड़े के खिलाफ सोशल मीडिया के जरिए पूरा मोर्चा ही खोल दिया। इल्जाम ये तक लगे कि आर्यन खान की रिहाई के एवज में समीर वानखेड़े के कहने पर करोड़ों रुपए की डील भी हो रही थी। नवाब मलिक और समीर वानखेड़े की लड़ाई इस हद तक जा पहुंची कि बाद समीर वानखेड़े की शादी उनकी जाति धर्म और बर्थ सर्टिफिकेट तक जा पहुंची। इसी के बाद समीर वानखेड़े को आर्यन केस से हटा दिया गया। अब उनकी जगह जांच SIT को सौंपी गई, जिसके चीफ संजय कुमार सिंह थे। अब क्रूज ड्रग्स केस की जांच समीर वानखेड़े की जगह संजय कुमार सिंह कर रहे थे और उन्हीं संजय कुमार सिंह की जांच रिपोर्ट के बाद ये चार्जशीट दाखिल हुई है, जिसमें आर्यन समेत 6 लोगों को क्लीन चिट दे दी गई है। आर्यन खान को क्लीन चिट देने की 3 वजह रही। चार्जशीट के मुताबिक क्रूज पर अरबाज के पास से तो ड्रग्स मिला, लेकिन आर्यन के पास से कोई ड्रग्स नहीं मिला। चार्जशीट के मुताबिक अरबाज ने भी अपने बयान में ये बात कही कि ड्रग्स आर्यन के लिए नहीं था, उल्टे आर्यन ने उसे क्रूज पर ड्रग्स लाने से मना भी किया था। ये बात आर्यन के हक में गई। बिगिनिंग में ही उनके पास जो जिस दोस्त के पास चरस मिली थी, उनके बयान में साफ साफ ये आया है, उनके इनिशियल बयान में साफ साफ आया है कि वो ड्रग आर्यन खान के लिए नहीं था। उन्होंने ये भी क्लैरिफाई किया है कि आर्यन खान ने उन्हें मना किया था कि ड्रग कैरी नहीं करें, NCB एक्टिव है। तो इनिशियल स्टेज में ही इट वॉज वेरी क्लियर दैट ड्रग जो पाया गया उनके दोस्त के पास है, वो उनके लिए नहीं था। चार्जशीट में साफ साफ लिखा है कि रेड मारने वाली एनसीबी की टीम ने सबसे बड़ी गलती ये की कि क्रूज से पकड़े गए आर्यन समेत किसी भी आरोपी की मेडिकल जांच नहीं कराई, जिससे ये पता ही नहीं चला कि गिरफ्तार आरोपियों ने ड्रग्स ली थी या नहीं, जबकि नियम के हिसाब से एनसीबी को तब हर एक आरोपी की मेडिकल जांच करानी चाहिए थी। आर्यन को इस चीज ने भी क्लीन चिट दिलाने में मदद की। उनपे एक चार्ज लगाया जा रहा था कंजम्पशन का। कंजम्पशन को प्रूव करने के लिए सबसे बड़े प्रमाण की जरूरत होती है मेडिकल एग्जामिनेशन रिपोर्ट की। मेडिकल एग्जामिनेशन नहीं कराया गया इसमें। समीर वानखेड़े और उनकी टीम ने तब जोर शोर से ये दावा किया था कि मामला सिर्फ क्रूज पर ड्रग्स का नहीं है, बल्कि आर्यन के इंटरनेशनल ड्रग्स रैकेट से भी लिंक है। इसके लिए समीर वानखेड़े ने आर्यन के मोबाइल के व्हाट्सएप चैट को सबूत के तौर पर पेश किया, लेकिन चार्जशीट के मुताबिक पहली बात तो ये कि व्हाट्सएप चैट से ये साबित ही नहीं होता कि बातचीत ड्रग्स को लेकर है, और उससे भी बड़ी बात ये कि आर्यन के मोबाइल को कानूनी तरीके से हासिल ही नहीं किया गया। ऐसे में अदालत में वो किसी भी शक्ल में सबूत माना ही नहीं जाना था। व्हाट्सएप चैट जो उनका व्हाट्सएप मोबाइल फोन खोला गया, वो भी उसमें भी जो फॉर्मेलिटीज होती हैं, जो लीगल फॉर्मेलिटीज है, वो पूरी नहीं की गई। बहरहाल जो व्हाट्सएप चैट भी जो भी एक्सट्रैक्ट किया गया, उस वो भी ये चैट्स इस केस से आर्यन खान को लिंक नहीं करते। खुद NCB ये मानती है कि क्रूज ड्रग केस की जांच सही ढंग से नहीं की गई। अगर की जाती तो फिर बाद में ये जांच SIT को सौंपने की जरूरत ही नहीं पड़ती। टीम बनाने के पीछे कारण ये था कि जो स्थानीय लेवल पर जो अनुसंधान हुआ था उसमें इरेगुलरिटीज हुई थी और कुछ कमियां पाई गई थी, जिसके आधार पर SIT का गठन करना पड़ा और वहां के पदाधिकारियों पर भी कुछ कार्रवाई करनी पड़ी थी। उसमें जो प्रारंभिक इन्वेस्टिगेशन था उसमें कुछ कमियां थी, और इसके आधार पर यह कहा जा सकता है कि अंततः सफिशिएंट एविडेंस नहीं मिला।